अध्यक्ष कॉमरेड सुनील जी, शाहनवाज जी, दीपक जी, रंगत जी, कुंदन जी, अमरेश जी, तमाम हमारे छात्र नेतागण एवं दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए हमारे साथीगण, छात्रगण, अभिभावकगण, मैं आयशा जिला कमेटी की ओर से आप सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, लाल सलाम करते हैं। साथियों, यह धरना प्रदर्शन कितना सूत्री मांग है, 5 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा है। मित्रों, इस कॉलेज कैंपस में लगातार आयशा आप लोगों की आवाज बनकर उभरा है। आयशा लगातार छात्र हितों में इस कॉलेज कैंपस में लगातार वर्षों से लड़ता आ रहा है, संघर्ष करता आ रहा है और लगभग सभी लगातार छात्र संगठन आयशा पीजी की पढ़ाई के लिए अनवरत यहां पर आंदोलनरत है, लेकिन बार बार कॉलेज प्रशासन के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, यहाँ कबड्डी खेले ना मंत्री के द्वारा भी अभी तक इस कॉलेज में पीजी की पढ़ाई की शुरुआत नहीं हो पाई है। मनीष जी, पहले आज हम लोगों का बीआरबी कॉलेज में पूर्व में मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद भी आज तक यहां पर पीजी की पढ़ाई शुरू नहीं हुई, जबकि यहां पर बीआरबी कॉलेज में 6 विषय से पीजी की पढ़ाई होती थी। इस सवाल को लेकर उसके बाद हमारे बीआरबी कॉलेज में एक राजनीतिक दबाव के तहत हमारे छात्र नेताओं को फंसाया गया है। इस तमाम सवाल को लेकर आज हम लोगों ने धरना सभा करके यहाँ के प्रिंसिपल को आज एक मेमोरेंडम सौंप रहे हैं कि इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आज की आंदोलन जो है वो आगाह है, इसके बाद हम लोग आमरण अनशन अनिश्चितकालीन तालाबंदी तक होगा। इस सब सवाल को लेकर हम लोग आज आंदोलन चल रहा है। बात है वो वार्ता के बाद प्रिंसिपल साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया? वार्ता के बाद प्रिंसिपल साहब से पूरी वार्ता हुई है। उन्होंने बोला है कि कॉलेज की प्रक्रिया के तहत जो यहाँ के स्टाफ काउंसिल मेंबर से पारित करके हम विश्वविद्यालय को और विश्वविद्यालय को जो भेजना है वो हम लोग भेज चुके हैं, ये प्रोसेस अब जो है विश्वविद्यालय की है, विश्वविद्यालय के बाद यहाँ पर पढ़ाई होने की संभावना हो जाएगी। यहाँ की जो प्रोसेस है उसकी सकारात्मक वार्ता हुई है और उन्होंने बोला है कि जो भी इस तरह के सवाल है उसके ऊपर हम पूरी अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं, कहीं से भी किसी भी छात्र नेता के ऊपर कोई गलत व्यवहार नहीं होगा। तमाम सवाल के बाद हम लोग वहां पर से आए हैं, फिर हम लोगों ने दिया है कि अगर पीजी की पढ़ाई नहीं होगी तो आमरण अनशन होगा।